जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब हर युग में धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ है। उसी तरह सैकड़ों वर्षों से अत्याचार से तड़प रहे मधेश में आशा की किरण के रूप में आए हैं मधेश के महानायक डॉक्टर सी के राव। कोशी बैरज से 10 किलोमीटर पश्चिम सप्तरी जिले में महादेवा गांव पड़ता है। उसी गांव में डॉक्टर सी के राउत अर्थात चंद्रकांत राउत का जन्म हुआ। गांव में ही वे पले बड़े। बड़ी रे खुगानिया से असगर गौरा शिविया जोरब। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वभन गामाकट्टी स्कूल से SLC अर्थात मैट्रिक परीक्षा सर्वोच्च अंक से पास की। शुरू से ही पढ़ने में तीक्ष्ण रहे डॉक्टर साहब के बचपन के विषय में अनेकों कारनामे प्रचलित हैं। ऐसे ही एक बार जब डॉक्टर साहब बचपन में कटी स्कूल से आ रहे थे तो एक अज्ञात साधु बाबा महादेव मंदिर पर विद्यार्थियों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय बहुत दूर ही आ रहे डॉक्टर साहब की ओर देखते हुए साधु बाबा ने विद्यार्थियों को कहा कि वो जो आ रहा है वही मेरी समस्या का हल कर सकेगा और वही इस मिट्टी का समस्या भी हल करेगा। जब डॉक्टर साहब पास आए तो साधु बाबा ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनको सवाल किया, जिसका जवाब डॉक्टर साहब ने धड़ाधड़ दे दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब के माथे पर राख का तिलक लगाकर साधु बाबा गायब हो गए। मैट्रिक पास करने के बाद डॉक्टर साहब काठमांडू आए। काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और तत्पश्चात उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर उपाधि भी ली। गांव से आए तो क्या हुआ, गरीब पृष्ठभूमि के हुए तो क्या हुआ, वीर और तीक्ष्ण मधेशी होने का परिचय देते हुए डॉक्टर साहब पढ़ाई में अव्वल ही उतरते रहे और पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अंक लेकर इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हुए। उन्हें अनेकों उपाधियां और मेडल प्राप्त हुए। उन्हें कुलरत्न गोल्ड मेडल, युवा इंजीनियर पुरस्कार, ट्रैफिमन कफ अकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें राजा ज्ञानेंद्र द्वारा महेंद्र विद्याभूषण पदक भी दिया गया। इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर साहब लगभग एक वर्ष एक कॉलेज में पढ़ाए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद भी संभाले। उसके बाद जापान सरकार की छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर साहब पढ़ने के लिए जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी गए। देश विदेश में घूमते हुए अनेकों सभा सम्मेलन में भाग लेते हुए टोक्यो यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब ने इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उसके बाद छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर साहब विलायत के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। वहीं से इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में PhD हासिल की। विलायत से PhD पूरा करने के बाद
डॉक्टर साहब अमेरिका में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर साहब बचपन से ही मधेश के विषय में अभिरुचि रखते थे और मधेश के ऊपर किताब और लेख पढ़ा करते थे। मधेश के इतिहास के विषय में वे सदैव उत्सुक रहते थे। घर में भी बौद्धिक माहौल था। उस पर गजेंद्र बाबू का आना जाना दरवाजे पर रहने से उनसे भी वे प्रेरित थे। मधेश की भूमि पर नेपाली सेना और पुलिस का रहना डॉक्टर साहब को बचपन से ही चुभता था। नेपालियों के औपनिवेशिक शासन, नेपाली भाषा भेष का लादना, नेपाली में ही पढ़ने की जरूरत होना, मधेशियों की भूमि छीन कर पहाड़ियों का बस जाना, मधेशियों को नौकरी न मिलना, ये सारी बातें डॉक्टर साहब को शुरू से ही चुभती थी और डॉक्टर साहब उन समस्याओं के समाधान के विषय में सोचते रहते थे। डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए काठमांडू गए और मधेशियों के ऊपर होते हुए विभेद और रंग भेद देखा तो उनका गहरा प्रभाव डॉक्टर साहब के मस्तिष्क पर पड़ा। खास करके 2057 साल में जब ऋतिक रोशन कांड हुआ, उसका बहुत ही गहरा असर डॉक्टर साहब पर हुआ। उसमें मधेशियों को काले रंग के आधार पर तलाश कर करके पीटा गया था। मधेशियों की दुकान और घरों में आग लगा दी गई। डॉक्टर साहब यह सोचने पर विवश हो गए कि अगर यह देश हमारा भी है तो हम पर इस तरह की रंगभेदी आक्रमण क्यों, हम पर यह विभेद क्यों, हम दास बनकर जीने पर मजबूर क्यों। और डॉक्टर साहब के मन में उसी दिन से स्वतंत्र मधेश यानी आजादी के लिए भावना जाग गई। फिर भी उस समय डॉक्टर साहब मधेश के लिए खुलकर नहीं लगे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनके मन में सदैव दुविधा रहती थी कि वो भगवान की भक्ति में लगे, सत्य की खोज में लगे या मधेश की सेवा में। उसी दौरान डॉक्टर साहब जापान गए और वहां उन्होंने भव्य भौतिक प्रगति देखी, पर कहीं किसी में शांति और संतुष्टि नहीं। उनका मन भौतिक प्रगति से ऊब गया और वे सन्यासी होने के लिए जोगी के वेश में भारत तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सत्यसाई आश्रम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक भ्रमण किए। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटकते रहे, यात्रा करते रहे। उसी दौरान उन्हें बोध हुआ कि वे जितना भी भाग जाएं, पर मधेशी होने की पहचान से नहीं भाग सकते। मधेश की सेवा ही भगवान की सेवा है, हम उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हमारा जन्म ही मधेश की सेवा के लिए हुआ है। और यह जानकर डॉक्टर साहब पुनः लौट गए। डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए विदेश भी गए तो वहां पर भी वे मधेश की समस्या के विषय में सोचते रहे। उन्हें एक पल चैन नहीं मिलता था। अपनी मातृभूमि के विषय में, मधेश की मुक्ति के विषय में, मधेशियों के अधिकार के विषय में सोचते रहते, मधेश के हेतु प्रचार प्रसार करते रहते। जापान और बिलायत में भी उन्होंने मधेश का प्रचार प्रसार किया। मधेश.com वेबसाइट खोलकर, मधेश के विषय पर वीडियो बनाकर और अनेकों पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी वे मधेश का प्रचार करते रहे। उसी दौरान 2063 साल में नेपालगंज में नेपाली मधेशी दंगा हुआ। उसमें नेपाली लोगों ने पुलिस के सहयोग में मधेशियों पर आक्रमण किया। Thank you.
विदेशियों की दुकान और घरों में आग लगा दी। उस घटना ने डॉक्टर साहब को पुनः झटका दिया। उसी घटना के बाद स्वतंत्र मधेश की मांग को सार्वजनिक करते हुए डॉक्टर साहब ने अरीम, अलायंस फॉर राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मधेश नामक संगठन की अवधारणा लाई। उस समय डॉक्टर साहब बिलायत में अध्ययनरत ही थे। बिलायत के बाद जब डॉक्टर साहब अमेरिका भी गए तो वहां भी मधेश की मुक्ति के लिए लगे रहे। उन्होंने मधेश के विषय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे जगहों पर प्रवचन भी दिया। डॉक्टर साहब ने विदेश में रहते आए सभी मधेशियों को संगठित करने के लिए गैर आवासीय मधेशी संघ का भी गठन किया। मधेश के मुद्दों को उठाने के लिए न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बैठकों में भी भाग लिया। इसी बीच में डॉक्टर साहब मधेश लौटे और मधेश की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मेचिस से महाकाली यात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसान की समस्या को समझा। आई खेती करेल छे अखनी त आ पानी नै छ अखनी मशीन से पानी दे रहल छ न पानी सुखल जाय छ न कादो। सब नेता एकदम जल्दी चढ़ेल या धोती में आ झाड़ै या सोझे आ जनता मरै या कोनो चीज के सुनवाई नै कए रहल। मजदूरों से उनकी हालात को जाना। दलित और मुस्लिमों से बातचीत की। सब गरीब तरह तरह कर रहा है, सरकार दलिद्र में चीज भेजे मगर ऊपरे में खा जाए जनता को कोनो प्राप्ति नहीं छे। थारू कमैया और कमलरी की दास्ता भरी जिंदगी को देखा। आदिवासी भूमिहीनों की स्थिति को जाना पहचान। हम तो उठा रहे हैं ना, हमें को चुना मिल रहा है। तुम तो ना उठा रहे हो, मंजा से बैठो ढुक के लंदी वैसी रहेगा। एक कट्ठा रहेगा तो हमारे घर बार सब हम रो चल गए। अब हम कहां जाएं। महिलाओं और बच्चों की हालात देखी और ये सब देखने के बाद डॉक्टर साहब का दिल तड़प उठा। उन्होंने सोचा, जब हमारे अपने लोग यहां भूखे नंगे मर रहे हैं तो इनकी समस्याओं को समाधान करने की बजाय मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूं। मातृभूमि जब तड़प रही है तो मैं और इंतजार कैसे करूं। और डॉक्टर साहब ने अमेरिका में वैज्ञानिक की नौकरी तुरंत ही छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मधेश की समस्या से पूरे विश्व को परिचित कराने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और उसे विश्व में जगह जगह प्रचार भी किया। उस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी हासिल हुआ। बिलायत की महारानी को भी वह दी गई और मधेश के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण कराया गया। उसके प्रत्युत्तर में महारानी ने डॉक्टर साहब को एक पत्र भी लिखा। और अंततः डॉक्टर साहब 2068 साल कार्तिक माह में सदा के लिए अमेरिका से वापस लौट गए, अपनी नौकरी, करियर, सुख शैल सभी छोड़कर। लौटने के बाद उन्होंने कार्तिक 28-29 गते देशी विदेशी विद्वानों और राजदूतों को बुलाकर मधेश के विकास के विषय पर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अनेकों विद्वानों ने मधेश के विकास के लिए अपनी अवधारणा दी। Now I'd like to welcome Dr. C.K. Rao, President of the Non-Resident Madhesis Association, for welcome speech as well as opening remarks. Mr. Chairman of the ceremony, Honorable Dan Bahadur Chaudhary, Minister for Women, Children and Social Welfare,
His Excellency Robert Parker, United Nations. What is development without dignity? What is development without respect for human rights? What is development without social justice? उसके बाद डॉक्टर साहब मधेश में गांव-गांव घूमते रहे, लोगों से जुड़ते रहे और समस्या का पहचान करने में लगे रहे। हजार साल चैत में डॉक्टर साहब ने काठमांडू के खुला मंच में मधेशियों की बृहत आम सभा को संबोधन किया। वहां पर उन्होंने सूक्ष्म तरीके से स्वतंत्र मधेश को विश्व मानचित्र में स्थापित करने, उसके लिए वृहत गठबंधन बनाने और तैयारी करने की अवधारणा जनता समक्ष रखी। और मधेश में आज जगह जगह पर हजारों हजार सशस्त्र प्रहरी तैनात कर दिए गए हैं हमें दबाने के लिए, और इनका अत्याचार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कौन कहता है कि मधेश उपनिवेश नहीं है? हम मेची से महाकाली तक घूम कर आए हैं, गांव गांव जा कर आए हैं, शहर शहर घूम कर आए हैं। तो अब भी अगर ये लोग क्षेत्रीय या सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारी पीढ़ी राष्ट्रीय राजनीति नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करेगी। और नेपाल में मधेश को उचित स्थान नहीं मिलता है तो यूनाइटेड नेशन हम मधेश को ले जाएंगे, वहाँ पर अपना अलग कदम लगाएंगे और तब हम मधेश अगर पैलेस्टाइन जैसे एंटिटी को यूनाइटेड नेशन में स्थान मिल सकती है तो मधेश को भी मिल सकती है, और उसके लिए हमें हर पहल करना है। वहाँ पर जाने से पहले हमें बेहद ढंग से तैयार होना है, हमें जनाधार निर्माण करनी है, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक संरचना बनाना है, और वह संरचना जो कि गांव-गांव तक, जिला जिला तक, वार्ड वार्ड तक हो, और ऐसी डेमोक्रेटिक संरचना बनाने के लिए हम सभी को लगना चाहिए, एक बृहद गठबंधन तैयार करना चाहिए। और यह काम हमें ही करना है, हमारी जनरेशन को करना है। हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते, हम अपना अधिकार छोड़ नहीं सकते, हमें हर हाल में अपने अधिकार पाना है, और इस कार्य के लिए हम सबको आगे आना है। मैं खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके अमेरिका में अच्छा खासा वैज्ञानिक था, करोड़ों में तनख्वाह थी, वहाँ पर अच्छा खासा घर में रहता था, अच्छी गाड़ी थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आज गांव गांव यहाँ पर घोल खाते हुए फिर रहा हूँ, क्योंकि आज अगर हम नहीं लगे, आज अगर युवा वर्ग नहीं लगे, इसलिए यह जागने का वक्त है, यह उठने का वक्त है, यह आवाज को बुलंद करने का वक्त है। मैं यहाँ पर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ एक स्वतंत्र नागरिक बनने आया हूँ। आजादी मुझे प्यारी है, और रेगिस्तान की भूमि पर भी वह आजादी मुझे प्यारी होगी, लेकिन स्वर्ग की भी दास्तां मुझे मंजूर नहीं, और उस आजादी के लिए मैं पूरे जीवन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब तक हम एक ही बात के लिए, एक ही समझौते के लिए अपना जीवन दान देते रहे। अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो आज वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकार को खुद निर्माण करें। और मैं सीके राव आज इस मंच पर कसम खाता हूँ कि अगर मधेश को जब तक अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक मधेश को अपना स्थान नहीं मिल जाता, तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, अपने मध्य बनकर संघर्ष करता रहूँगा। और आप भी मेरे साथ आइए, आप भी इस मोर्चा में शामिल होइए, आप भी इस बृहद गठबंधन में शामिल होइए, और हम सब मिलकर कसम खाते हैं एक समृद्ध मधेश बनाने की, एक विकसित मधेश बनाने की, एक शक्तिशाली मधेश बनाने की।
तत्पश्चात 2069 साल जेठ 8 गते काठमांडू के मधेश मीडिया हाउस में पत्रकार सम्मेलन करते हुए डॉक्टर साहब ने स्वतंत्र मधेश गठबंधन एम की घोषणा की, जिसका लक्ष्य शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा स्वतंत्र मधेश देश स्थापना करना है। उसके बाद डॉक्टर साहब जगह जगह घूमते हुए अनेकों शोध करते हुए मधेश की इतिहास ग्रंथ लिखे, जिसमें आदिकाल से अभी तक के मधेश का इतिहास समावेश है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने मधेश स्वराज और वीर मधेशी किताबें भी लिखी। मधेश स्वराज किताब में स्वतंत्र मधेश ही क्यों चाहिए और उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, क्या रणनीति लेना है, यह बात बताई गई है। वीर मधेशी किताब बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी के लिए पठनीय है और मधेश का इतिहास संक्षिप्त में बताती है। इसी बीच में डॉक्टर साहब ने भारत की राजधानी दिल्ली में भी मधेशियों के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। के साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर में भी धरना देकर भारत के प्रधानमंत्री को भारत में भी मधेशियों की उचित अधिकार के लिए ज्ञापन पत्र भी दिया। भारतीय नेताओं से मिलकर भी मधेश के मुद्दों को उन्होंने उठाया। डॉक्टर साहब जगह जगह घूमकर अपने विचारों को फैलाने लगे, खेत खलिहानों में जाकर, गांव देहात में भी जाकर लोगों को समझाते रहे, उन्हें अपनी बातें सुनाते रहे और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते भी रहे। जगह जगह पर लोगों को मधेश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के साथ साथ मधेश में कैसे नेपालियों का औपनिवेशिक शासन है और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, इन विषयों पर प्रवचन देते रहे। मधेश का नेतृत्व लेने के लिए लोगों को नेतृत्व का प्रशिक्षण भी दिए जाने लगा। नेपालियों के अन्याय और अत्याचार से तड़प रहे मधेशियों में डॉक्टर साहब का विचार आग की तरह फैलने लगा। लोग उमड़ उमड़ कर डॉक्टर साहब की बातें सुनने के लिए आने लगे। जहां पर 40-50 आदमियों को बुलाया जाता था, वहां पर सैकड़ों हजार लोग जमा होने लगे। लोग खिड़की से लटक लटक कर दूर से भी कान खड़ा करके डॉक्टर साहब की बातों को सुनने लगे। लोगों को अपनी आजादी समीप आते दिखाई देने लगी। लोगों में एक नया उल्लास, एक नई आशा जागृत हो उठी। मधेश आजाद होकर रहेगा, लोगों को यह विश्वास होने लगा। लोगों के मन में आजाद मधेश का झंडा लहराने लगा।